स्टूडेंट्स वेलकम टू स्वप्निल स्टडी सर्कल। आई एम स्वप्निल सर फॉर SST। लास्ट जो पार्ट्स हुए थे, जो सेशन हुआ था, उसमें हमने ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें हमने इंडिया के बारे में स्पेशली स्टडी किया, उसके लोकेशन के बारे में स्टडी किया। नाउ इट्स टाइम फॉर इकोनॉमिक्स, जिसका पहला लेसन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में डिस्क्राइब किया है, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। पालमपुर जो है वो एक इमेजिनरी विलेज है, वो अस्तित्व में नहीं है। एक एग्जांपल आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड बताने के लिए, क्या फैक्टर्स होते हैं वगैरह, ये सब समझाने के लिए आप लोगों को पालमपुर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। होप आप सभी नोट्स नोट डाउन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं प्रॉपरली, और फिर इस वीडियो को सुन रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका लर्न भी हो रहा है, साथ साथ आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। इन द ऑनलाइन और डिजिटल वी चूज डिजिटल टीचिंग। अब डिजिटल चूज करने के पीछे कुछ कारण थे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और हमने ये देखा गया कि ऑनलाइन स्टडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू है वो है नेटवर्क। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके घरों में नेटवर्क का इशू है, हमारे इंस्टीट्यूशन में भी एक दिक्कत है ही। देन सेकंड है कि काफ़ी कुछ लोगों को स्टोर करना नहीं आता है, मतलब ये जो हम लोग ऑनलाइन में हम लोग डिस्कस करते हैं वो अधिकतर स्टोर नहीं होता है, और होता भी है तो काफ़ी स्पेस ले लेता है, मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं हो पाती है, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है। डिजिटल में ये फ़ायदा है कि हम लोगों को बार बार मोबाइल का स्कूल के होने के बाद लगातार सुनने की ज़रूरत नहीं है, वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग थोड़ा रिलैक्स करके शाम में भी ये चीज़ को कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो स्टोर रहते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती है तो हम ये वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ऑनलाइन में ये फ़ायदा है कि टीचर्स को तभी के तभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वही हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, बच्चे मैसेजेस पूछते हैं, कॉल करते हैं, और उनकी डिफ़िकल्टी वही के वही हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर भी इन फ्यूचर आफ्टर सम डेज वी विल ट्राई टू कन्वर्सेट विद ईच अदर बाय ऑनलाइन। हम लोग आपका और टीचर का भी इंटरेक्शन कराएंगे ऑनलाइन में, जहाँ पे आपके स्टडीज़ या रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट काफ़ी हद तक के मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिले हैं डिजिटल के, क्योंकि अगर मैंने 9 बजे का शेड्यूल दिया और स्कूल में भी 9 बजे का शेड्यूल है तो ये क्रॉस होगा, फिर स्कूल का देखूँ या ट्यूशन का। इसलिए डिजिटल स्टडीज़ जो है वो यूट्यूब पे लिंक होती है, जिसकी वजह से आपका स्टोरेज भी नहीं जाता और हमारे हिसाब से हम आराम से देख भी सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी है तो जो है वो एंड्रॉयड टीवी को अटैच करें, ताकि आपकी आँखों को तकलीफ ना हो। तो चलो, ये हमारा टॉपिक नहीं था, जस्ट मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए। हर एक नोट्स को आप लिखिए, लिखने के वक्त आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है, और जब ये वीडियोस आप उस नोट्स को आगे रख के, मतलब अगर नोट्स को आगे रख के सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा और तुरंत कुछ परसेंट वहीं पर लर्न भी हो जाएगा। आगे आगे हम लोग काफ़ी डिटेल में लेसन देखेंगे, पूरे नोट्स रहेंगे, आपको पूरी बुक या लेसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ट्यूशन कॉपी ओपन करो, इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ लो। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू अ विलेज पालमपुर, पार्ट वन। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अबाउट द पालमपुर। सबसे पहले ये जो पालमपुर, पालमपुर है क्या, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। एक एग्जांपल के तौर पे एक इमेजिनरी विलेज आपकी आंखों के आगे रखने की कोशिश की है। एक विलेज है पालमपुर जिसकी मेन एक्टिविटी है फार्मिंग। लेजर लाइट थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट्स को। पालमपुर का सबसे, ये 1 मार्क के लिए भी आता है, आ चुका है, एग्जाम्स में पूछते हैं MCQs या 1 वर्ड। तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। फार्मिंग ये मेन एक्टिविटी है, इसके अलावा भी कुछ अदर एक्टिविटीज पालमपुर में होती है, जिसके सारे लोगों के घर चलते हैं, इनकम आती है, विच इज डेयरी,
ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ईटीसी। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे टोपियाँ बनाना, कुम्हार मटकी बनाता है, लोहार अपना काम करता है, सुनार अपना काम करता है, तो ऐसे छोटे 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 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी घरों घरों में है, जिसको घरगुती या फिर लघु उद्योग भी कहते हैं। तो डेयरी, ट्रांसपोर्ट और अदर स्केल, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे है, लार्ज स्केल नहीं है। पर सबसे बड़ी मेन एक्टिविटी जो अधिकतर लोग जो काम करते हैं पालमपुर में, वो फार्मिंग है। तो ये बेसिक एक्टिविटीज होगी पालमपुर की। अब पालमपुर के आजू बाजू रायगंज है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, और पास ही में शाहपुर भी है। रायगंज जो है वो एक बड़ी विलेज है और शाहपुर जो है वो स्मॉल विलेज है, और ये दोनों विलेज जो है वो कनेक्टेड है पालमपुर से बाय वेदर रोड। वेदर रोड मतलब एक वेल कंस्ट्रक्टेड रोड जो है, आराम से व्हीकल्स, गाड़ी आराम से जा सकती है। एक अच्छा रोड वहाँ पे बना हुआ है जो कि पालमपुर को रायगंज और शाहपुर से ज्वाइन करता है। अब भाई जाते कैसे हैं? तो हमने अदर एक्टिविटीज़ में देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन भी एक वहाँ पे साधन है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बुलक कार्ट, टंगास मतलब घोड़ा गाड़ी होती है, बुलक कार्ट, बुगी होती है। अब बुगी अगर हम लोग देखते हैं तो बुगी क्या चीज़ होती है, पता है आपको बुगी क्या होती है? बुगी होती है वुडन कार्ट, जो कि बफेलोज वगैरह चलाते हैं, ठीक है। एंड अधिकतर इस पर जागरी वगैरह लाद कर, ये पालमपुर वाले जो है वो जागरी का बिजनेस यहाँ पे होता है, तो जागरी बनाते, गुड़ बनाते और ट्रांसपोर्ट करते अदर विलेजेस में। तो ये बुगीज वगैरह में जो वुडन कार्ट होती है उसमें लेके जाते हैं। बुलक कार्ट भी उसी तरह से होती है। देन मोटरसाइकिल भी है वहाँ पे लोगों के पास, देन ट्रैक्टर्स है, ट्रक्स भी है, बड़े बड़े राशन मतलब गेहूँ अनाज लेके जाते गोदाम में। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। समझ में आ रहा है? फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन ये अदर एक्टिविटीज़ भी है। रायगंज और शाहपुर ये पास की विलेज है जो वेल वेदर्ड कंस्ट्रक्टेड रोड से जुड़ी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन की भी सभी फैसिलिटीज़ है। टोटल 450 अंदाजे दिया हुआ है, इमेजिनरी है, विलेज इमेजिनरी है। तो एक अंदाजे वहाँ पे 450 फैमिली रहती है टोटल, पूरे 450 फैमिली उस गांव में रहती है पालमपुर में, जिनमें से 80 फैमिलीज जो है बिलोंग्स टू अपर कास्ट, बिलोंग्स टू अपर कास्ट। हाँ, हमारे यहाँ पे भी अपर कास्ट, लोअर क्लास, अमीर गरीब ये सब चीज़ें हैं। पालमपुर में भी 80 फैमिलीज जो है वो अच्छे, जिनकी ज़्यादा बड़ी खेतियाँ हैं, अच्छे बड़े उद्योग हैं, या जो अच्छे श्रीमंत अमीर जिनको कहा जाता है, रिच पर्सन जो है, मतलब एक वेल डेवलप जिसे कहा जाता है, ऐसी 80 फैमिलीज जो है बिलोंग करती है अपर कास्ट से। अब इनके घर भी लार्ज हैं, लार्ज हाउसेस मेड अप ऑफ ब्रिक्स विद द सीमेंट प्लास्टरिंग। 80 फैमिली जो है, टोटल 450 फैमिलीज रहती है, जिनमें से 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट से बिलोंग करती है, जिनके घरे ब्रिक्स और सीमेंट प्लास्टरिंग से है। ऑन अदर हैंड 1/3 फैमिलीज जो है वो एससीज मतलब दलित, जो कि एक कॉर्नर में रहते हैं गांव के, पुराने जमाने में ये होता था, अभी ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ गांवों में ऐसा होता होगा, नहीं होना चाहिए, बट ये थोड़ा सा पुअर बिलोंग करते हैं शायद, इसके वजह से ये वन कॉर्नर ऑफ विलेज रहते हैं, जिनके घर जो है वो स्मॉल हाउसेस है एंड मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, मट्टी से बने हुए, या हमारे जो स्ट्रॉज होते हैं आपने देखे होंगे, स्ट्रॉज मतलब क्या होता है कि मक्का, कनीस, गेहूं वगैरह के जो ऊपर का धान निकालने के बाद नीचे की जो लकड़ियाँ हो बच जाती है उससे स्ट्रॉज बनते हैं, उससे घर बनाते हैं, छत बनाते हैं, कुटार करके भी गाय को काम में आता है। तो ये जो फैमिलीज हैं 1/3 फैमिलीज, ये ऐसी फैमिलीज है, दलित जिन्हें कहा जाता है, ऐसी फैमिलीज है जो विलेज के कॉर्नर में रहती है
जो कि गरीब है थोड़े बहुत, क्योंकि पता ही चल रहा है कि उनके घर जो है मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं, और बाकी भी कुछ फैमिलीज हैं जो जनरली वहाँ पे रहती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शंस आर अवेलेबल, हर जगह इलेक्ट्रिक कनेक्शंस अवेलेबल है उस गांव में पालमपुर में। अब इलेक्ट्रिक कनेक्शन होने की वजह से ट्यूबवेल भी है। अब ट्यूबवेल जो है उसके वजह से फील्ड में पानी भी पहुंचता है, और जो स्मॉल स्मॉल बिजनेस है उनमें भी वो काम में आता है। तो ये सब चीज़ों से पता चलता है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं पालमपुर के बारे में। जैसे पालमपुर में दो प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो कि रन बाय गवर्नमेंट। वहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। ये दोनों जगह जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है, यहाँ पे सिक पीपल जो बीमार लोग होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। और इन सभी फैसिलिटीज से हम लोग एक चीज़ समझते हैं दैट पालमपुर हैज़ वेल डेवलप सिस्टम, वेल डेवलप विलेज। अभी भी भारत में ऐसे काफ़ी विलेजेस है, काफ़ी हद तक तो अभी सुधार हो गया है, पर अभी भी ऐसी कुछ फैमिलीज हैं, कुछ विलेजेस हैं जहाँ तक के इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है। कुछ सालों पहले तो बहुत बदतर हालात थे, अभी काफ़ी सुधार है, गवर्नमेंट काफ़ी हेल्पफुल है कर रही, इसलिए रोड्स इलेक्ट्रिसिटी। तो पालमपुर के बारे में हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फार्मिंग जो है वो पालमपुर की मेन एक्टिविटी है। उसके अलावा मतलब सिर्फ फार्मिंग पे ही लोग डिपेंड नहीं करते, कुछ लोगों का डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन और कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये भी है। हमने देखा कि जो रायगंज और शाहपुर है ये विलेजेस जो है वो अच्छे बने हुए, रोड से कनेक्टेड भी है। अब रोड रहेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस भी होगा आपस में। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पे बुलक कार, टांगाज, बोगी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, ऐसे फैसिलिटीज इसके अलावा भी कुछ अवेलेबल है। देन 450 टोटल फैमिली वहाँ पे रहती है, जिनमें से 80 फैमिली जो है वो अपर क्लास बिलोंग करती है, जो कि अच्छे बड़े घरों में, सीमेंट प्लास्टरिंग वाले घरों में, जो ब्रिक से बने हुए घरों में रहते हैं। 1/3 फैमिली जो है वो दलित SC लोगों की है, जो कि गाँव के एक कॉर्नर में रहते हैं, जिनके स्मॉल हाउसेस हैं जो मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। देन इलेक्ट्रिक कनेक्शन अवेलेबल है जिसकी वजह से ट्यूबवेल भी है, ट्यूबवेल से खेतों में पानी डाला जाता है। ये ट्यूबवेल खेतों में पानी देना ये आगे पालमपुर को कुछ अफेक्ट भी करने वाला है बुरा, ये आगे में देखेंगे लेसन में। देन वेरियस स्मॉल बिजनेस जो है वो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल भी है बच्चों के लिए, 1 हाई स्कूल भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये सभी गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, साथ साथ 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो इससे हमें ये पता चला कि पालमपुर एक वेल डेवलप सिस्टम है, वेल डेवलप विलेज है। अब ये वेल डेवलप विलेज से हमें पता चलता है कि या फिर काफ़ी अलग अलग प्रोडक्शन भी होते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन होता इसलिए है, आप बोर्ड पे देखिए, आप वीडियो में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन इसलिए होता है ताकि हम लोग गुड्स यानी सामान या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके दैट वी वांट, जो हमें चाहिए, हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। अब प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मुझे सपोज कुछ फैक्ट्री डालना है, कोई बिजनेस करना है, कुछ चीज़ें, कुछ गुड्स वहाँ पे प्रोड्यूस करना है, तो मुझे 4 रिक्वायरमेंट्स है जो मोस्ट है, एकदम वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले लैंड, डेफिनेटली सर, हवा में थोड़ी ना फैक्ट्री बनाएंगे, इन फ्यूचर शायद बनाएंगे, बट अभी हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्शन के लिए मुझे सबसे पहले एक ज़मीन होना ज़रूरी है जहाँ पे मैं अपनी सेटअप लगा सकूँ। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो लैंड है, ज़मीन है। देन लेबर है, मतलब मजदूर है, फैक्ट्री में अकेला ही काम करूँगा तो प्रोडक्शन भी लेस होगी ना, तो लेबर लगेंगे वहाँ पे काम करने के लिए, पीपल हु वर्क दैट्स ऑल लेबर, तो वहाँ पे काम करने के लिए लेबर भी लगेंगे। देन फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल,
ये सब क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं 3 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए बार बार आप सुनिए उसको आराम से कि 4 रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए, जिसमें से लैंड समझ में आती है, लेबर मतलब जो पीपल काम करते हैं, ठीक है सर। देन फिजिकल कैपिटल, अब फिजिकल कैपिटल जो होती है, फिजिकल कैपिटल जो होती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो फिक्स कैपिटल होती है, फिक्स कैपिटल में टूल्स मशीन बिल्डिंग्स ये सब आता है, इसको फिक्स कैपिटल इसलिए कहा जाता है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर काफ़ी सालों बाद इसको इस्तेमाल होती है। अगर मैंने एक बिल्डिंग बना ली, मुझे फैक्ट्री डालना है जिसमें मैंने मशीन्स लगा लिए, उस मशीन्स के लिए मैंने टूल्स खरीद लिए, मुझे हर साल वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अगर ख़राब होते हैं तो मैं इस्तेमाल करूँगा या नए नए डेवलप करूँगा, नई नई मशीन नए नए टूल्स, पर ये मैं एक बार ही जो मशीन से बिल्डिंग बनाऊंगा, मशीन से उसको डेवलप करना अलग चीज़ है, पर फिक्स कैपिटल मतलब एक ही बार मुझे करना है, बिल्डिंग बनाना है, कुछ मशीन्स मेरे काम के लिए लानी है और टूल्स, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसलिए इसे फिक्स कैपिटल कहते हैं। देन सेकंड चीज आती है फिजिकल कैपिटल में, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, मतलब मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है सपोज, तो मुझे अगर सपोज मट्टी के बर्तन बनाना है अलग अलग, तो मट्टी ये रॉ मटेरियल लगेगा, और इसको खरीदने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या सब चीज़ों के लिए, वर्कर को देने के लिए मुझे पैसे लगेंगे, मनी इन हैंड, तो मेरे पास पैसा मुझे इकट्ठा होना चाहिए, तो फिक्स कैपिटल है, रॉ मटेरियल है और मनी इन हैंड है, लैंड है और लेबर है, तो चल पड़ी मेरा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट इसमें आता है ह्यूमन कैपिटल, जो कि वर्किंग कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल मींस अ वर्किंग कैपिटल। अब रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड जो है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, इन्हें क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो जो करेक्शन था वो हो गया है, 4 रिक्वायरमेंट हम लोग देख रहे थे प्रोडक्शन के लिए, जिसमें से पहला था लैंड, दूसरा था लेबर, तीसरा था फिजिकल कैपिटल, जिसमें फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब बार बार ये चीज़ें लगती रहेंगी, रॉ मटेरियल हो गया, पैसे हो गए, मशीन टूल्स और बिल्डिंग, एक बार बना ली खरीद ली मशीन, तो उस पर प्रोडक्शन होते रहेगा, पर फिर और चीज़ें बनाने के लिए, जैसे मटके भी बनानी तो और मटके लगेगी और पैसे लगेंगे वो सब लाने के लिए। तो 2 चीज़ें हैं फिजिकल कैपिटल में, एक फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में टूल्स मशीन्स बिल्डिंग्स वगैरह आ गई, जो एक बार ही इन्वेस्टमेंट है, और वर्किंग कैपिटल बार बार लगेंगे, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड है, जो वर्किंग कैपिटल में इंक्लूडेड है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, लेबर अलग चीज है, ह्यूमन कैपिटल अलग चीज है। तो एक्चुअली होता क्या है, देर इज अ 4 रिक्वायरमेंट यू विल नीड टू नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टूगेदर लैंड लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, मतलब इन सबको, लैंड को, लेबर को और ये फिजिकल कैपिटल्स को, सबको एक साथ लाकर जो प्रोडक्शन हम लोग आउटपुट निकालते हैं उसको सेल करते हैं इन मार्केट, एंड दीज डेज इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, और इन सब को मिला के कहते हैं द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, 4 फैक्टर, 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। तो इन्हीं के बारे में हमें देखना है, पालमपुर के बारे में भी हम लोग और डिटेल में देखेंगे लेसन में, काफ़ी हद तक के मैं कोशिश करूंगा अपने नोट्स थ्रू कि आपको लेसन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर अप होंगे,
तो इसको नोट डाउन करना ना भूलिए। देन डिजिटल का काफ़ी फ़ायदा है जो मैंने ऑलरेडी समझाया है, उसको आप फॉलो कीजिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो अब चलो, बहुत बार होता है कि भाई ऑनलाइन में हम लोग वहाँ के वहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पे स्वप्निल सर इज़ ऑलवेज हियर, ऑल द टीचर्स आर अवेलेबल, बस जस्ट कॉल मी, डिस्कस योर डिफिकल्टी पर्सनली। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप में पूछने को आपको थोड़ा हिचकिचाहट हो, पर्सनली आप मैसेज भी कर सकते हो। तो हम लोग हैं, बहुत आराम से पढ़िए, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कोरोना, ये वो सब चीज़ें सब भूल जाइए। सर सिलेबस का डिडक्शन हो चुका है जिसके बारे में हमने देख लिया है, पर एक ध्यान में रखिए, एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं होता। अगर एक आधी ओमिट हुई हुई चीज़ भी अगर हम लोग पढ़ने में आ जाती है तो बुरा क्या है ना भाई, फ्यूचर में तो वो सिलेबस कहीं ना कहीं काम में आएगा ही। तो डिटेल में बेसिक नॉलेज रखिए, अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि मुझे स्कूल का बहुत लोड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। डोंट सेज एनी एक्सक्यूजेस यार, करना है तो कैसे भी सिचुएशन में बच्चे पढ़ते और करते हैं। ऑलरेडी रिजल्ट आपके आगे है, 3 मिनट हमें पता है, हमारे बैच से बड़ी बैच हम लोग बनाते ही नहीं है, एक 15 to 20 की बैच थी जिसमें से 3 मेरिट है, लगभग सभी पास है, और जो रेगुलर है प्रॉपरली पढ़ रहे हैं उनका इंक्रीमेंट में रिजल्ट है, आपका भी आएगा अगर आप प्रॉपरली फॉलो करो। व्हाई वी ज्वाइन द ट्यूशन ना, वी ज्वाइन द ट्यूशन टू गेट अ पर्सनल अटेंशन टू अस। इंस्टीट्यूशन कैन सॉल्व पर्सनली अवर डिफिकल्टीज, दैट्स व्हाई वी ज्वाइन द कोचिंग क्लासेस फॉर रिविजन ऑल्सो। तो ये 3 मोटो है, इसलिए हमने ज्वाइन किया है। पेरेंट्स काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, सिर्फ पैसा खर्च नहीं कर रहे, वो अपनी आशाएं आपके साथ यहाँ पे भेजते पढ़ने के लिए, और उसको आप पूरा करोगे, डेफिनेटली आप पूरा जद्दोजहद लगा के पढ़ाई करोगे, और फिर कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली मुझे कंसल्ट कीजिए। सो ये पार्ट 1 है जिसमें पालमपुर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है जिसके 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायरमेंट्स है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में भी फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल है, विद एग्जांपल जो आपके नोट्स में भी है, मैंने भी समझा दिया है, इसको आराम से पढ़िए, आराम से फिर लिखने के बाद फिर वीडियो सुनिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।